हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फायरवॉल स्टूडियो में खुश आमदीद। आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आप अपने कंप्यूटर की स्पीड को तेज़ कर सकते हैं। बहुत से लैपटॉप्स और कंप्यूटर्स में इश्यू आता है कि वो हैंग हो जाते हैं, स्लो चलते हैं, तो अब आपका कंप्यूटर चलेगा नहीं, दौड़ेगा। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो टिप है वो है अपनी ग्राफिक्स को लो करने की। जो हम अपने कंप्यूटर की ग्राफिक्स होती हैं, जैसे टैक्स हो गया, उस अपनी ग्राफिक्स को लो कैसे करें? तो सबसे पहले आपने पीसी पे क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज़ पे जाना है। ये देखें, प्रॉपर्टीज़ में आ गए, यहाँ पे एडवांस सेटिंग का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करेंगे। ये देखें सेटिंग, फर्स्ट जो परफॉर्मेंस पे सेटिंग होगी उस पर क्लिक करना है। ये देखें विजुअल इफेक्ट्स, प्रोसेसर स्केजुलिंग, मेन्यू यूएस एंड वर्चुअल मेमोरी, सेटिंग पे क्लिक करेंगे। अभी यहाँ पे चार ऑप्शन है, लेट विंडो चूज व्हाट द बेस्ट फॉर कंप्यूटर, ये जो है ना वो डिफॉल्ट होता है, तो आपने कस्टम पे क्लिक करना है। कस्टम पे क्लिक करने के बाद इन सबको अनचेक कर देना है। ये देखिए इनेबल पीक पीक, इसको भी कर लेना है, इसको भी। लेकिन ये जो है ना शो थंबनेल इंस्टेड ऑफ आइकन, इसको नहीं आपने करना, क्योंकि ये आपको फिर वो जो है ना सिर्फ वो आइकन ही नजर आएगा, उसके थंबनेल्स नहीं नजर आएंगे। तो ये देखिए एक को मैंने सेलेक्ट किया, अप्लाई पे कर दिया मैंने, देखिए ओके। ये देखिए जो है ना हमारी ग्राफिक्स जो है ना वो थोड़ी सी लाइट हो गई है। ये देखिए पहले जो थी यहाँ पे बोल्ड था थोड़ा, अभी ये जो है हमारी ग्राफिक्स लाइट हो गई। अभी आते हैं टिप टू की तरफ, कि हम अपने सिस्टम के अंदर से ट्रैश को कैसे डिलीट करें, क्योंकि तो हमारे सिस्टम में हमारी बगैर इजाजत के कुछ ट्रैश आ जाता है। तो सबसे आप पहले अपने विंडो आर प्रेस करके रन मोड ओपन करना है। यहाँ पे आपने टाइप करना है टेम्प, ये देखिए टेम्प पे आपने क्लिक करना है एंटर। ये देखें कुछ टेम्प फाइल्स आपके पास होंगी, ये तो मैं डिलीट करता रहता हूँ, आपकी बहुत ज़्यादा होंगी अगर आपने नहीं की। तो आपने कंट्रोल ए पे क्लिक करना है, मतलब सेलेक्ट ऑल करके डिलीट कर देना है, शिफ्ट डिलीट। ये देखें मेरी जो टेम्प फाइल्स हैं वो डिलीट होना शुरू हो गई हैं। तो ये टेम्प फाइल्स भी काफ़ी ज़्यादा स्पेस कवर करती हैं, जिससे हमारा सिस्टम जो है ना वो हैवी हो जाता है। तो ये देखें अभी ये टेम्प फाइल डिलीट हो रही है। ये देखें ये फाइल मेरे सिस्टम की फाइल है, तो ये देखिए बाकी टेम्प फाइल जो है डिलीट होगी। अभी एक और टेम्प फाइल जो होती है अलग टाइप की, तो उस टेम्प फाइल के लिए हम विंडो आर प्रेस करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पर टाइप करेंगे परसेंट टेम्प परसेंट, ये टाइप करने के बाद एंटर प्रेस करेंगे। ये देखिए ये भी मेरे पास इतनी ज़्यादा जो है ना टेम्प फाइल्स पड़ी हुई है, इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। ये देखिए इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ये देखिए 54 MB की स्पेस कवर की हुई थी इससे, इतनी ज़्यादा फाइल्स हैं। तो ये आप टाइम के साथ डिलीट करते रहेंगे तो आपका जो सिस्टम है ना तो वो ज़्यादा स्मूथली चलेगा। अभी ये देखें मेरा सिस्टम जो है ना अभी आहिस्ता आहिस्ता रिलायबल हो गया। अभी ये देखें अभी आते हैं हम टिप फोर की तरफ, कि हम अपनी डिस्क को क्लीन कैसे करें। ज़्यादातर मोस्टली जो ट्रैश होता है वो लोकल सी में होता है, तो आपने उस पर क्लिक करना है, लोकल सी के ऊपर प्रॉपर्टीज़ में आना है। देखिए प्रॉपर्टीज ओपन हो गई, यहाँ पे डिस्क क्लीन अप सर्च करना है। डिस्क क्लीन अप पे आपने क्लिक किया, ये देखिए अभी वो आइडेंटिफाई कर रहा है कि क्या क्या ट्रैश है, वो सारा फिर आप इधर से ट्रीट कर सकते हैं। अभी यहाँ से वो हो रहा है, ज़्यादातर सिस्टम वायरस की वजह से भी होता है, तो आप एंटीवायरस इंस्टॉल करके देख लें कि अगर एंटीवायरस होता है तो। मैं आपको दो तीन एंटीवायरस के लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे देता हूँ, लेकिन अगर आप ये करेंगे ना तो आपका सिस्टम जो है ना काफ़ी हद तक फ्री हो जाएगा। ये टाइम लेगा थोड़ा, लोडिंग हो रही है इसकी, सिस्टम एरर, मेमोरी डंप फाइल, देखिए स्कैनिंग हो रही है। स्कैनिंग कंप्लीट होती है तो फिर हम वापस आते हैं। ये देखिए हमारे पास वो लोडिंग कंप्लीट हो गई है। ये देखिए अभी हमसे पूछ रहा है कि ये सारी फाइल्स आप डिलीट करना चाहते हैं या आप इनमें से रखना चाहते हैं, तो ओके पे क्लिक करेंगे, डिलीट फाइल्स पे क्लिक करेंगे। देखिए वो जो है ना वो टेम्परेरी इंटरनेट फाइल, जो सारी टेम्प फाइल्स है ना वो डिलीट होना शुरू हो जाएंगी। ये देखिए ये जो है ना सारी टेम्प फाइल्स डिलीट हो जाएंगी। अभी ये देखिए थंबनेल्स, सिस्टम आर्काइव, ये सारा कुछ। ये देखिए इस तरह जो है ना आपका सिस्टम जो है ना काफ़ी फील फ्री हो जाएगा। तो अभी अब आते हैं, आपने यहाँ पे सर्च करना है डिस्क। अभी हम आते हैं टिप फोर की तरफ, सबसे पहले आपने सर्च करना है डिस्क, डिस्क यहाँ पे DIS फॉर्मेट्स। ये देखिए
यहाँ पे आपको डिफ्रेगमेंट एंड ऑप्टिमाइज ड्राइव जो है ना यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं, आपने इस पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपके पास वो जो है ना सारी ड्राइव्स ओपन हो जाएंगी, ये देखिए। अभी आपने यहाँ पे ऑप्टिमाइज पे क्लिक करना है तो आपकी जो ड्राइव है ना वो ऑप्टिमाइज होना शुरू हो जाएगी। ये कुछ टाइम लेगी, तो इसके बाद ये सारी ऑप्टिमाइज दोनों को ऑप्टिमाइज कर दें और ये तो जल्दी ऑप्टिमाइज हो जाएगी, डी जो है सी जो है टाइम लेगी। तो इस तरह आपका जो सिस्टम है ना काफ़ी फील फ्री हो जाएगा। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें।